हेलो एवरीवन, अब हम जो है वो साइंस की एनसीईआरटी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो साइंस की एनसीईआरटीज आप कहेंगे बच्चों वाली है, लेकिन हमें रीड करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो ये आपके टीचिंग लेवल के एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपके हायर लेवल के एग्ज़ाम्स है जैसे यूपीएससी, उसके लिए भी बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल मैं आपको समरी टाइप में बताऊंगी। ठीक है, तो पहले हम चैप्टर फर्स्ट का नाम देख लेते हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो आप सबको पता है फूड जो हम खाते हैं वो कहाँ से आता है। ठीक है, प्लांट से, और जो आप नॉन वेज खाते हैं वो आपको एनिमल से मिलता है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इस पैराग्राफ में यही बताया है कि आपने कल क्या खाया था, आज आपके घर में क्या बन रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने फ्रेंड से पूछिए उसने आज पूरे दिन में क्या खाया है, ऐसी ऐसी चीज़ें। ये छोटी छोटी सी फालतू सी बातें की हैं, जो इंपॉर्टेंट बात आएगी मैं आपको वही उस पर ही एम्फोसाइज करूँगी। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है उन बातों पर। जैसे इस पैराग्राफ में सिर्फ यही लिखा हुआ है कि राइस किस किस चीज़ों से बनता है, उसमें ये देखिए ये जो डार्क कलर के वर्ड्स किए गए हैं बोल्ड साइज में, आपको उनको ध्यान रखना है, यही कीवर्ड्स हैं। तो आप सबको पता है इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, तो जिस जिस चीज़ से कोई भी सब्ज़ी वगैरह बनती है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, तो उसे कहा जाता है ये। ठीक है, जिससे वो प्रिपेयर होती है डिश। ठीक है, तो जब हम यहाँ आ जाते हैं सेकंड में, उसमें भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बताया हुआ। ये टेबल जो है उसमें ये बताया है कि रोटी किससे बनती है, आटा एंड वाटर को मिला के। ठीक है, दाल पल्सेस वगैरह को, सॉल्ट वगैरह को, तो ये हमारे पास क्या हो गए, इसके इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो सेकंड पेज पर फटाफट से आते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि फूड मटीरियल्स एंड सोर्सेस, तो हमें ये कहाँ से मिलती हैं सारी चीज़ें। तो हम सबको पता है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो हमें मिलते हैं प्लांट्स से। ठीक है, और पैडी एंड व्हीट फील्ड्स जो होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ग्रेन्स, जो हम ये व्हीट वगैरह खाते हैं, राइस वगैरह होते हैं, ये हमें यहाँ से मिलती हैं। और जो हम नॉन वेज खाते हैं, मिल्क तो नहीं, खैर जैसे मीट वगैरह हो गया, चिकन हो गया, फिश प्रॉन्स, ठीक है, तो ये सारे जो हैं हमें जो हैं एनिमल से मिलते हैं, इंक्लूडिंग मिल्क। मिल्क भी हमें काओ से और बफेलो से मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट ये एक्टिविटी दी हुई है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये ऐसे ही बता रखा है टेबल के अकॉर्डिंग कि इडली में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और सोर्सेस क्या क्या उसके होते हैं। जैसे इडली के लिए ये इंग्रेडिएंट्स हो गए, और ये इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, प्लांट से ही मिलते हैं ये। ठीक है, और चिकन कड़ी के लिए इंग्रेडिएंट्स हो गए ये, और सोर्सेस इसके क्या हैं, चिकन के एनिमल हो गया, और ऑयल घी वगैरह, ऑयल जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, सरसों का तेल उसके जो है प्लांट से मिलते हैं वो। ठीक है, और घी जो है वो डायरेक्टली नहीं मिलता, लेकिन एनिमल से मिल्क मिलता है, और मिल्क से फिर घी बनाया जाता है। ठीक है, और खीर भी आपको पता है मिल्क, राइस एंड शुगर से बनती है। मिल्क आपको एनिमल से मिल जाएगा, और राइस जो है वो आपको प्लांट से मिल जाएंगे। ठीक है, और शुगर के से शुगर आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि वो भी आपको प्लांट से मिलती है। ठीक है, तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो सबको नॉर्मली पता ही होती हैं, कॉमन सेंस की बात होती है। प्लांट से हमें जो है ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स मिलते हैं, एनिमल से हमें जो है वो मीट वगैरह मिल जाता है, और मिल्क मिल जाते हैं, एग्स वगैरह, और काओ गोट बफेलो से मिल्क, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और फिर मिल्क तो हमें मिल गया एनिमल से, तो उसके बाद जो है मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल्क से ही बनते हैं, तो इनडायरेक्टली वो जो हम कहेंगे जैसे कर्ड, चीज़, घी वगैरह, ये सभी हमें एनिमल से ही मिले। ठीक है, उसके बाद जब हम प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं फूड के तौर पे, तो हम सबको पता है कि हम लीफी वेजिटेबल्स भी खाते हैं, ठीक है, और फ्रूट्स भी खाते हैं प्लांट्स में से। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो कि हम खा सकते हैं, तो इन्होंने यही बताया है कि आपने क्या पम्पकिन फ्लावर्स खाए हैं, जो कि पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन द राइस पेस्ट एंड फ्राइड, तो ये एक रेसिपी टाइप से बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड वर्ड आता है वो है एडिबल। तो एडिबल का मतलब क्या होता है, ईटेबल, जो हम पार्ट खा सकते हैं। ठीक है, तो
इन्होंने यही बताया है कि सीड्स ऑफ द मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स द ऑयल, जैसे कि मैंने बताया था कि मस्टर्ड ऑयल कहाँ से मिलता है, उसके सीड्स से मिलता है, मस्टर्ड प्लांट के सीड्स से। ठीक है, वो येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं ना मस्टर्ड जो प्लांट होता है, ठीक है, जो उसके सीड्स होते हैं वहाँ से हमें ऑयल मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, और उसके जो लीव्स होते हैं उसकी वेजिटेबल बनाई जाती है, वेजिटेबल के तौर पर वो यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्लांट्स को हम दो से ज़्यादा तरीक़ों में भी खा सकते हैं, लीव्स को भी खा सकते हैं, उसके सीड्स को भी खा सकते हैं। ठीक है, और स्टैम्प वगैरह को भी आपने कभी देखा होगा, है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इसकी जो है वो एडेबल है, ईटेबल है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने बनाना का बताया है कि बनाना के प्लांट में आप कौन कौन से पार्ट डिफरेंट जो है वो फूड के तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब हम एक्टिविटी 4 में आ जाते हैं तो इन्होंने ब्रिंजल का एग्जांपल दिया है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट लेकिन आपको पता होना चाहिए, ब्रिंजल जो है वो फ्रूट की तरह से, चिली एज अ स्पाइस फ्रूट, मतलब ये इसके साथ साथ बताए हुए हैं, ऑयल जैसे मैंने बताया वो आपको सीड से मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने कहा है, दो और भी आप सोच के बताइए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, इन्होंने ये बताया है कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि प्लांट्स का कोई भी पार्ट खाया जा सकता है, जैसे कि हमने बात की मस्टर्ड सीड्स की, जब हम बात करते हैं तो वो ऑयल के लिए काम आ जाता है, और जब हम लीव्स की बात करते हैं तो वो वेजिटेबल के लिए काम आ जाता है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि जो अननोन प्लांट्स होते हैं हमें उन्हें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, वो हमें मार भी सकते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सभी जो प्लांट्स होते हैं वो एडेबल हो सकते हैं लेकिन उसमें पॉइजन भी हो सकता है, इसीलिए उन्हें नहीं भी खाना चाहिए। ठीक है, तो एक्टिविटी इन्होंने ले रखी है एक मूंग दाल, जैसे आपने सुना होगा चना होते हैं वो। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि आप उन्हें ले लीजिए और फिर उन्हें कंटेनर में फिल कर, मतलब उनके जो सीड्स होते हैं उन्हें जो है कपड़े में बांध कर एक रात के लिए रख दीजिए, वेट कपड़े में बांध कर रख दीजिए, और जब आप सुबह देखेंगे तो वो स्प्राउटेड हो गए होंगे, जैसे अंकुरित जिसे बोलते हैं वो हो गए होंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, और ये जो वाइट स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो इन्हीं जो दाल में से निकलता है, दाल में से नहीं, वो जो भी मूंग की दाल या आप कह सकते हैं ग्राम्स में से निकलता है, चना में से निकलता है, तो वो उन्हें ही स्प्राउटेड बोला जाता है। ठीक है, और अगर आप इन्हें भिगो मतलब वेट कपड़े में सोक करके रखते हैं और अगर आपको सुबह अंकुरित नहीं मिलते हैं तो आप दोबारा से उसे एक दिन के लिए और रखिए, तो आपको वो स्प्राउटेड जो चने होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताया हुआ है। तो जब हमने ये वाली पिक्चर देखी थी तो इसमें आपको मूंग की दाल दिखाई हुई है, और जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें चने दिखा रखे हैं। ठीक है, ब्लैक ग्राम्स। ठीक है, और जब हम हनी की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि जो हनी बी होती है, मधुमक्खी जो होती है, वो जो फ्लावर्स का जूस होता है उसे वो स्टोर करके लाती है और एक जो है बी हाइव बनाती है, और उसके बीच में आपने देखा होगा कभी हेक्सागोनल टाइप के ऐसे ऐसे छेद बने होते हैं, तो ये उनमें ये स्टोर करती रहती है। ठीक है, कि बाद में ये यूज़ कर सके, लेकिन जब ये पूरा भर जाता है फिर ये हम इसे उतार लेते हैं और फिर शहद निकाल लेते हैं उनका, तो ये अपने बी हाइव्स में नेक्टर, इम्पॉर्टेंट जो जूसेस होते हैं ना, स्वीट जूसेस, उसे नेक्टर बोला जाता है। ये नेक्स्ट जो है वर्ल्ड आया है तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये जो नेक्टर जो है वो अपने बी हाइव्स में कलेक्ट करती है। ठीक है, और ये नेक्टर आता कहाँ से है, वही फ्लावर्स वगैरह से इसे इजीली अवेलेबल होता है, और यहाँ पे ये इसे स्टोर करती है। उसके बाद व्हाट डू एनिमल ईट, ठीक है, एनिमल्स अब क्या खाते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, एक तो पालतू और एक वाइल्ड जो घूमते हैं। ठीक है, तो डॉग, कैट, बफेलो, गोट, ये सभी उसी में आते हैं, इसे पैट करके रखा जाता है कैटल्स को। ठीक है, और कुछ और भी होते हैं, हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वर्ड, पिजन, लिजार्ड, स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, कि ये वाले जो सारे एनिमल्स हैं ये क्या खाते हैं, आपने कभी नोटिस किया है, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं, जैसे कि इन्होंने दिखा रखा है कि स्क्वर क्या खा रही है, कभी नोटिस किया हो आपने तो आपने देखा होगा ये नट्स वगैरह खाते हैं। ठीक है, जैसे मूंगफली का दाना हो गया, पीनट वगैरह। ठीक है, उसके बाद
ये अगेन एक एक्टिविटी, इसमें एक्टिविटीज़ काफ़ी दे रखी हैं ताकि बच्चा अपने दिमाग से खुद सोचे और खुद ये नोटिस करे कि कौन कौन से एनिमल्स क्या क्या खा सकते हैं। तो जैसे इन्होंने दो एग्जांपल दे रखे हैं, बफेलो क्या क्या खा सकता है, ग्रास, ऑयल केक, हे, ग्रेन्स एंड कैट क्या क्या खा सकती है, ठीक है, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स मिल्क वगैरह पीती है, और ये सभी दूसरे एनिमल्स बता रखे हैं, इनको इनके बारे में आपको खुद बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आ रही है, तीन वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस वो होते हैं जो एनिमल्स अदर एनिमल्स को खाते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, ठीक है। तो आपको इनके एग्जांपल्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि कौन कौन से हैं, ठीक है। वैसे तो इन्होंने यहाँ पे भी ये बता ही दिया है कि काऊ जो है वो हर्बीवोरस है, ओनली प्लांट खाती है, लॉयन जो है कार्निवोरस है, वो अदर एनिमल्स को खाता है, और डॉग जो है वो दोनों खा लेता है, एनिमल्स को भी खा लेता है और प्लांट्स को भी खा सकता है, ठीक है। तो अदर आपको बताने हैं और एग्जांपल आप दीजिए, ठीक है, इससे आपकी मेमोरी बूस्ट होगी। और उसके बाद इन्होंने इस पैराग्राफ में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं बताया है, तो अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। हमारे पास जो कीवर्ड्स आए वो ये, जो बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए थे ये वही है, इंग्रेडिएंट्स वही होते हैं जो रेसिपी बनाने के काम आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से रेसिपी बनती है। एडिबल मैंने बताया था, ईटेबल जो चीज़ें होती हैं वो होता है, नेक्टर जो होता है वो स्वीट जूसेस होते हैं जो फ्लावर से मिलते हैं, वैसे इसे अमृत भी बोला जाता है, ठीक है। स्प्राउटेड सीड्स वही होते हैं, अंकुरित चने हो गए, अंकुरित दाल हो गई, ठीक है, जिसे भिगो के रखा था और सुबह तक वो उसमें से स्प्राउटेड सीड्स बन गए थे वो। हर्बीवोरस के बारे में मैंने बताया, जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, ठीक, सॉरी मांसाहारी होते हैं, और हर्बीवोरस जो शाकाहारी होते हैं वेजिटेरियन, और ये हो गए नॉन वेजिटेरियन, और ओमनीवोरस हो गए वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम समरी की बात करते हैं तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अलग अलग फूड की वैरायटीज हमें देखने को मिलेंगी, और मेन सोर्स जो है वो फूड का हमें दो ही चीज़ों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। हर्बीवोरस उसे कहते हैं जो ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट्स खा सकते हैं, कार्निवोरस जो होते हैं वो ओनली एनिमल्स खा सकते हैं, और ओमनीवोरस जो हैं वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खा सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम हैं, इंसान हैं, वो इन तीनों में से क्या है, क्या हर्बीवोरस है, क्या कार्निवोरस है, और क्या ओमनीवोरस है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ईजी सिंपल सा कोई भी बता सकता है, तो आपको भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये एक्सरसाइजेज हैं कुछ, इन्हें भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी सी हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। डू यू फाइंड ऑल द ह्यूमन बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या सेम काइंड ऑफ फूड सभी ह्यूमन बींग्स को, लिविंग बींग्स को चाहिए होता है? नहीं, क्योंकि सबके डाइजेस्टिव सिस्टम्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, तो इसी हिसाब से डिफरेंट वेरिएशन ऑफ फूड्स होते हैं, ठीक है। नेम फाइव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स जिसे हम खा सकते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने मस्टर्ड का बताया था, मस्टर्ड प्लांट का, जिसके सीड्स खाए जा सकते हैं ऑयल की फॉर्म में, और उसके जो लीव्स खाए जाते हैं वो वेजिटेबल की फॉर्म में। तो आपको फाइव ऐसे और बताने हैं, ठीक है। तो अगर हम ये मैच द फॉलोइंग देखें, कॉलम ए में देखें, मिल्क, कर्ड, पनीर, घी आपको कहाँ से मिलता है, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। स्पेनिश कॉलीफ्लावर और कैरेट जो है ये सभी वेजिटेबल्स के नाम हैं, ठीक है, थीके? और लॉयंस एंड टाइगर्स जो हैं ये अदर एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, ये कार्निवोरस होते हैं, और हर्बीवोरस मैंने आपको बताया था जो प्लांट खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। फिलिंग इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। पहला है, टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट, तो जो खाली मीट खाते हैं वो कौन होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स, तो जो खाली प्लांट खाते हैं वो कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। पैरेट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट, तो पैरेट क्या खा सकता है आप बताइए, सिर्फ प्लांट्स खा सकता है वो, ठीक है। द डैश दैट वी ड्रिंक, हम क्या पीते हैं जो कि हमें काऊ, बफेलो एंड एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, वो है मिल्क, ठीक है। वी गेट शुगर फ्रॉम, सबको पता है शुगर केन से हमें शुगर मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।